हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। तो आज बात करेंगे गाड़ी का जो एसी का जो पानी होता है वो क्यों गिरता है, कहाँ से गिरता है और उसका क्या रीज़न होता है, और किस किस वजह से आपका एसी का जो प्रॉब्लम होती है वो क्यों होती है, और कूलिंग कॉइल में कैसे गैस रिपोर्ट करती है। मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके दिखा दूंगा, और मैं अभी आपको वीडियो दिखा देता हूँ गाड़ी के नीचे से, जहाँ से पानी का पाइप लगा होता है और जो निकलता है। ये हम गाड़ियों के नीचे आ गए हैं। ये नीचे का व्यू गाड़ी का। अब मैं आपको ये देखिए, ये होता है एसी का पाइप, ठीक है। ये कूलिंग कॉइल का जो यूनिट होती है उसके नीचे से ये पाइप निकल रहा होता है। जो भी पानी कंडेंस होता है वो इस पाइप से नीचे गिरता है। वो देखिए, वो पाइप दिख रहा है, अब यहाँ से दिख रहा है, मैं थोड़ा उस साइड से दिखा देता हूँ। और वो देखिए सामने से लगा हुआ है, ये देखिए यहाँ से पानी निकल के नीचे गिरता है। अब क्यों गिरता है, कैसे गिरता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। वैसे करके ये गाड़ी लिफ्ट में थी। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको समझाया कि कैसे गाड़ी के नीचे से पानी टपकता है। अब मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ ऐसा क्यों होता है और किस वजह से होता है। आइए मैं आपको समझा देता हूँ प्रैक्टिकली। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए एक एक कूलिंग कॉइल रखी है। एसी की कूलिंग कॉइल है, ये गाड़ी की है, ये एसी की गैस रखी है, और एक पानी है जो ठंडा पानी है, और यहाँ पे भी ह्यूमिडिटी है। तो आप देख रहे हो ये जो पानी के ड्रॉपलेट हैं, ये जब ठंडा पानी होता है तो ये ड्रॉपलेट आ जाते हैं, गर्म और ठंडे का जब कांटेक्ट होता है तो जो ह्यूमिडिटी होती है हवा में, जो वेपर होते हैं पानी के, जो पार्टिकल होते हैं वो कंडेंस होके इस पे चिपक जाते हैं। सेम आपके कूलिंग कॉइल के साथ होता है। ये देखिए, ये कूलिंग कॉइल लगी होती है, इसमें ये जो एसी की गैस है ये यहाँ से मूव करती है इन पाइपों से, और एसी कंप्रेसर इसको कंप्रेस करता है, ये अपना स्टेट चेंज कर लेती है, गैस में होती है, फिर ये लिक्विड बन जाती है इसके अंदर जाके। फिर इसमें पानी जो आपका गाड़ी में जो भी मॉइस्चर होता है, ड्रॉपलेट होता है, वो कन्वर्ट होना चालू कर देता है इस टाइप के पानी के ड्रॉपलेट में। पहले वेपर में होता है, हवा में जितना ये जो हवा देख रहे हैं जो भी है, सब में अभी पानी का कंटेंट काफ़ी है। ये पानी का कंटेंट क्या करता है, एसी वहां से जो हीट निकाल के और पानी के थ्रू निकल जाता है। क्या होता है, जैसे कि आपने छोटी क्लास में देखा होगा, 6 7 क्लास में वाटर साइकिल होती है, तो ये जो बारिश का सिस्टम होता है, बारिश कैसे होती है वो भी इसी प्रोसेस पे होती है, कि गर्मी हुई, धूप से पानी इवेपोरेट हुआ, इवेपोरेट होके ऊपर बादलों क्लाउड में आया, जैसे ही क्लाउड को ठंडा पानी और ठंडी हवा जो भी उसमें लगती है उससे रिएक्शन से जो वाटर वेपर होती है वो कंडेंस होके पानी की ड्रॉपलेट बारिश होने लगती है। तो कहने का मतलब ये एसी का भी वही प्रोसेस है। ये फिनोमिना बारिश के काम जो भी होती है, बारिश हो गया उस टाइम में काम आती है, ये जो आप ड्रॉपलेट देखते हैं इस काम में आती है, और ये कूलिंग कॉइल के एसी में भी आती है। और जब मैं छोटा था तो मुझे भी लगता था कि ये कांच के बाहर से पानी कैसे आ जा रहा है, स्टील का ग्लास हुआ करते थे उस टाइम, कैसे आ जा रहा है। तो अब जब मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी हुई है तो हमारे में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट होता है एसी का, रेफ्रिजरेंट का, तो उसमें हमें प्रॉपरली पता चला कि ये साइकिल कैसे काम करती है, क्योंकि छोटे जब हम थे तो हमने वाटर साइकिल पढ़ी थी, उसके बाद हमने इन सिस्टमों में पढ़ा कि कैसे होता है। तो मैंने आपको समझा दिया कि एसी में, जो आप गाड़ी में एसी चलाते हैं, उसका पानी कैसे बनता है, क्यों गिरता है, और जब वो ब्लॉक हो जाता है, तो मैंने इसके पीछे और भी वीडियो बना रखी हैं जो आपको प्रॉपरली बता देगी कूलिंग कॉइल में क्या कमी आती है, एसी क्यों नहीं काम करता है। अब वो वाली वीडियो देख लें, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी इसी टाइप की नॉलेज के लिए, और वीडियो को भी लाइक करें। थैंक यू।